पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल की कीमत में 1.35 रुपए इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 248.38 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3.85 रुपए महंगा। मिट्टी का तेल 1.48 रुपए, लाइट डीजल 2.61 रुपए सस्ता। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर भी 34.09 रुपए महंगा। ओग्रा ने नई कीमतें 254.19 रुपए फी क्यूलर मुकरर कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म, तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। एफबीआर का कहना है अब तक 50,10,000 से जायद गोशवारे जमा कराए जा चुके, 1.25 अरब से जायद की रकम इकट्ठी हो चुकी। अब गोशवारे जमा कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनकता कर दिए जाएंगे। एफबीआर को अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 100 अरब का शॉर्टफॉल। जराए का कहना है अक्टूबर में 880 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया, हदफ 980 अरब रुपए मुकर्रर था। रवा माली साल टैक्स शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए तक पहुंच गया। पीआईए की निजकारी के लिए बोली, ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम 10 अरब रुपए में पीआई खरीदने को तैयार। निजकारी कमीशन ने रेफरेंस प्राइस 85.3 अरब रुपए मुकर्रर की थी। शॉर्ट लिस्ट की गई 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड ने बिडिंग में हिस्सा लिया। कंपनी को कीमत बढ़ाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया, लेकिन कंपनी ने रकम नहीं बढ़ाई। मामला काबीना की निजकारी कमेटी को भेज दिया गया। जराए का कहना है इस कीमत पर पीआईए फरोख्त नहीं की जाएगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है हुकूमत ने रेफरेंस प्राइस हकीकत से करीब नहीं रखी। निजकारी ना हुई तो 1 साल में 100 अरब का मजीद खसारा होगा, 400 दिनों की मेहनत जाया होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। तजारत, सरमायाकारी, तबानाई, सकाफत में तआवुन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन तआवुन पर गौर। वज़ीर आज़म ने गजा जंग बंदी के लिए कतर की सालसी और इंसानी इमदाद की बिला तआतुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कतरी हम मनसब से भी मुलाकात की। कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़रात, IT और सयाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने कतर म्यूजियम में पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। खिताब में कहा कतर हमारा दूसरा घर है, कतर में मुकीम पाकिस्तानी ताल्लुकात मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कहा नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफत को उजागर करने में मदद मिलेगी। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। जेल हुकाम ने कहा लिख कर दें सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सियासी बात ना करें तो क्या मौसम और क्रिकेट पर बात करें। जेल के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा मुलाकात की इजाजत ना देना तौहीन अदालत है। असद कैसर ने मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। कहा दूसरी जमातों को भी साथ मिलाएंगे, जल्द ग्रैंड सियासी बैठक बुलाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, तब तक आते रहेंगे जब तक उम्मत का लीडर जेल से बाहर नहीं आता। पासपोर्ट बनवाने के लिए शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते की शर्त खत्म। शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम कर दी गई। नई पॉलिसी के तहत शहरियों को हुदूद के दायरे अख्तियार में नरमी दी जाएगी। एड्रेस की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाए जाएंगे। सहूलत से इनकार नहीं किया जाएगा। इलाकाई दफातर को मरासला इरसाल कर दिया गया। इंडियन बॉर्न हो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपके पास US पासपोर्ट है, आपने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। नो वीज़ा फीस। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने किसी भी सूरत में तानू प्रॉब्लम नहीं होने देनी। अमरीकी सिख यात्री जब दिल चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरें, आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा, कोई वीज़ा फीस नहीं। फ्लाइट पकड़े पाकिस्तान आ जाएं। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी कहते हैं जहां जहां आपकी जगह है हम हर जगह तआवुन करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के लिए खुसूसी कोटा रख रहे हैं। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कल अदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आईन से मुतसादिम करार दे दिया।
कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आईन और इजहार राय की आजादी से मुतसादिम है, हाई कोर्ट का फैसला। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शिक बताई गई थी। पीटीआई ने शिक 265 कलदम करार देने की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने कहा इस्लामाबाद की अदालतों के कैदी भी अडियाला जेल में कैद के बायस दायरा इख्तियार में आते हैं। पंजाब हुकूमत ने जवाब तलब करने के 3 माह बाद तक जवाब जमा नहीं कराया। जुडिशियल कमीशन को आप लोग किसी भी कीमत पे बॉयकॉट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर, हमने तो अपने नाम दे दिए हैं, ये नाम अप्रूव किए खान साहब ने जो हमने दिए हैं। जुडिशियल कमीशन का बायकॉट नहीं करेंगे, उन लोगों को मौका नहीं देंगे। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई की मंजूरी से शिबली फराज और उमर अयूब के नाम दिए गए। बानी पीटीआई की बहनों या अहलिया ने पार्टी को किसी किस्म की हिदायत नहीं दी। पार्टी में इख्तलाफात का तासुर गलत है। अली अमीन गंडापुर वाजे तौर पर कह चुके हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई में उनका किरदार नहीं। फवाद चौधरी ने कहा बानी पीटीआई की बहनों और अहलिया को अब तहरीक को लीड करना चाहिए। बानी पीटीआई की जानिब से पैगाम आ गया, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात भी हो जाएगी। हमारी ये जंग जारी है, इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। इस बार निकलें और वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें, घर से बता कर जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का पैगाम, कहा फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, अब समझ आ गई, इज्जत शराफत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। जब खून का रंग लाल है तो मतलब इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। हकीकी आजादी मांगने के जुर्म में ही आज बानी पीटीआई जेल में है। इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई, अब तुम्हारा इक्तदार नहीं आने वाला। वजीर आला पंजाब के अली अमीन गंडापुर पर वार, बोली हम पर तनकीद करने वाले और बोहतान लगाने वालों की अपनी कारकर्दगी से पर है। ये चीफ जस्टिस को नहीं मानते लेकिन उनकी हलफ बर्दारी में फ्रंट सीट पर मौजूद थे। तकरीबे हलफ बर्दारी में देखकर समझ नहीं आया, हंसू के रोऊं कि मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। तरक्की और खिदमत में नून लीग का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी है और कल भी रहेगा।